हमें तो सिर्फ चांद दिखा था, हमारी ईद तो बहुत दूर है। साइकिल रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान है, इसी दुकान से हमारे और हमारे परिवार की जीविका चलती है। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और अवधि भी तय कर दी कि 2 बजे के बाद दुकान पे धंधा नहीं कर सकते, तो तड़के ही दुकान खोल के बैठ जाते हैं इस आस में कि कोई ग्राहक छूट ना जाए, 2 पैसे की आमदनी भी हाथ से निकल ना जाए। लेकिन कहां कोई आता है भैया, सबको जानकारी, गलती से एक आध ग्राहक आ भी गया, पैसे मांगने पर ऐसे चिल्लाता है भैया जैसे उसकी जागीर मांगे, लूट लो। भैया एक लूटा हुआ आदमी क्या लूटेगा। हाँ ठीक कर दो, ठीक कर दो भैया, रोजे चल रहे थे तब तक तो जैसे तैसे परिवार को बच्चों को बहलावे रहा था एक साम खाना, लेकिन आज ईद हो गई, अब क्या बहाना बनाऊंगा, 2 शाम का खाना कहाँ से लाऊंगा, कुछ समझ नहीं। ऊपर से बड़ा लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो गया, दुनिया कह रही है कोरोना उनके लिए बहुत बड़ी महामारी है, भैया हमारे लिए तो ये भूख ही सबसे बड़ी महामारी है, सबसे बड़ी महामारी।